अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं फेमस आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ग्रीनलैंड इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, और वो कहाँ पे वाक़ है? नॉर्थ अमेरिका में। इसको कहते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे है। अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया है 21,66,086 स्क्वेयर किलोमीटर। ग्रीनलैंड इज़ ज्योग्राफिकली इन अमेरिका बट पॉलिटिकली इन यूरोप। ये ज्योग्राफिकली तो अमेरिका में है, लेकिन ये पॉलिटिकली यूरोप में वाक़ है। कलालित नोनैद सेकंड नेम है इसका, ग्रीनलैंड का सेकंड नेम क्या है? कलालित नोनैद। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड एन ऑटोनोमस डैनिश डिपेंडेंट टेरिटरी विद लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जस्ट लाइक अ कंट्री, और उसकी अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट भी है एंड इट्स ओन पार्लियामेंट, और उसकी अपनी पार्लियामेंट भी है। डेनमार्क कंट्रीब्यूट्स 2/3 ऑफ ग्रीनलैंड्स। डेनमार्क जो है 2/3 जो है ग्रीनलैंड्स के बजट रेवेन्यू में हिस्सेदार है, कंट्रीब्यूट करता है। द रेस्ट कमिंग मेनली फ्रॉम फ़िशिंग, और बाकी का जो सरमाया है वो फ़िशिंग से आता है। तो ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है न्यू जीनिया आइलैंड। न्यू जीनिया जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। इसका एरिया है 7,85,753 किलोमीटर स्केयर। ये लोकेटेड है मेलानेशिया इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये कहाँ पे है? मेलानेशिया साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में वाक़ है न्यू जीनिया। समरता इज़ एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। समरता जो है वो इंडोनेशिया में वाक़ है, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, समरता जो है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहलाता है। नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन, ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में वाक़ द आइलैंड हैज़ सम ऑफ इंडोनेशियन रिचेस्ट ऑयल फील्ड्स। ये आइलैंड जो है वो रिचेस्ट ओल्ड ऑयल फील्ड है इंडोनेशिया की, इट्स फाइनेस्ट कोल फील्ड्स। ये सबसे अच्छी कोल फील्ड भी हैं एंड डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और इसमें गोल्ड और सिल्वर के डिपॉजिट्स भी हैं। इट्स ऑफ शोर आइलैंड्स आर नाउन फॉर देयर इन एंड बॉक्साइट। मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज रबर एंड कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन समरता। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे ममालिक में रबर जो है वो यहाँ से पैदा होकर प्रोड्यूस होकर जाता है। तो ये है समरता आइलैंड। नेक्स्ट है बर्नोई आइलैंड इज़ इन। बर्नोई आइलैंड जो है ये पैसिफिक ओशन में है। ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। बर्नोई आइलैंड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स भी इसको कहा जाता है। ये साउथ वेस्ट एशिया में वाक़ है, और इसका एरिया 7,43,330 किलोमीटर स्केयर। यह है बर्नोई आइलैंड। नेक्स्ट है एस्टी हेलिना आइलैंड इज़ इन। एस्टी हेलिना आइलैंड जो है ये अटलांटिक ओशन में है, मिड वे बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमरीका। ये है मिडवे अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान में। सेंट हेलिना अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। सेंट हेलिना बेसिकली क्या है? अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी इन द साउथ अटलांटिक ओशन। साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमोट आइलैंड इन द वर्ल्ड। और ये क्या है? वर्ल्ड का मोस्ट रिमोट आइलैंड है सेंट हेलिना। नेक्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज़। इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है मादागास्कर। तो इसका एरिया है 2,26,658 किलोमीटर स्क्वेयर माइल्स। ये माइल्स में लोकेटेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में वाक़ है मादागास्कर, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे वाक़ है। नेक्स्ट है वर्जिन आइलैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ 100 आइलैंड्स। इन वर्जिन आइलैंड जो है ये 100 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये वेस्ट इंडीज़ में है और
कहाँ तक फैला है? द यूएस वर्जिन आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ द मेन आइलैंड्स ऑफ सेंट क्रॉक्स, सेंट जॉन, सेंट थॉमस एंड मैनी ऑफ अदर सराउंडिंग माइनर आइलैंड्स। तो ये कहाँ पे है? यूएस में भी वाक़े हैं इसके आइलैंड्स जो के सराउंडिंग छोटे छोटे आइलैंड्स के साथ भरा हुआ है, तकरीबन 100 आइलैंड्स बनते हैं। एरिया ऑफ द टेरिटरी इज़ 133.73 स्क्वायर माइल्स, 346.36 किलोमीटर है इसका जो एरिया है, 346.36 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कैरेबियन सी पर वाक़े अटलांटिक ओशन में, ये है वर्जिन आइलैंड्स। कैनरी आइलैंड इज़ इन, कैनरी आइलैंड्स जो है वो स्पेन में है, कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका पर। तो इसका एरिया है 7,493 किलोमीटर स्क्वायर, और कैनरी का मतलब है आइलैंड ऑफ द डॉग्स। कैनरी का मतलब क्या है? आइलैंड ऑफ द डॉग्स। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी इज़, लार्जेस्ट आइलैंड जो है मेडिटेरेनियन सी का वो है सिसली आइलैंड या सिकली आइलैंड। तो ये सिकली आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड, इज़ जस्ट ऑफ द टॉय ऑफ इटली बूट। और इसकी शक्ल कैसी है? एक बूट की तरह। एरिया है इसका 25,711 किलोमीटर स्क्वेयर। ये था सिकली आइलैंड। डैश इज़ इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन कैनेडियन। तो ये है बफीन, बफीन इज़ अ नॉर्थ अटलांटिक ओशन कैनेडियन, द लार्जेस्ट आइलैंड इन कैनेडा। तो ये बफीन जो है कैनेडा का लार्जेस्ट आइलैंड है, और फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। ये बफीन जो है दुनिया का पांचवा बड़ा आइलैंड है। इसका एरिया है 5,07,451 किलोमीटर स्क्वेयर। आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड इज़ इन, न्यूजीलैंड जो है वो कहाँ पे है? वो साउथ पैसिफिक ओशन में है। इसके 600 स्मॉलर आइलैंड्स हैं, और टोटल एरिया इसका है 268,021 किलोमीटर स्क्वेयर। यह है न्यूजीलैंड। होनशु आइलैंड इज़ इन, होनशु आइलैंड जो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में है। ये जापान का मेन आइलैंड है, टोक्यो में वाक़े है, और इसका एरिया 2,27,960 किलोमीटर स्क्वेयर है, और इसकी लेंथ 1,300 किलोमीटर है। यह है होनशु आइलैंड जो कि जापान में वाक़े है। ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड इज़ इन, ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप एंड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो ये कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री के कोस्ट पे है? ये है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की कोस्ट पे। इसका एरिया 209,331 किलोमीटर स्क्वेयर। ये है ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड इज़ इन, विक्टोरिया आइलैंड जो है वो अरेक्टिक ओशन में है। ये लार्ज आइलैंड इन द अरेक्टिक ओशन है, ये अरेक्टिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। कनाडा में वाक़ है एट्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का आठवां बड़ा जजीरा है, और इसका एरिया 217,291 किलोमीटर स्क्वेयर है। तो विक्टोरिया दुनिया का आठवां बड़ा जजीरा है। एलेसमर आइलैंड इज़ इन, एलेसमर जो है जजीरा वो है अरेक्टिक ओशन में। तो ये कैनेडियन टेरिटरी ऑफ ननोवाउत्स में है। इट इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द क्वीन एलिजबेथ आइलैंड। इसको ये क्वीन एलिजबेथ आइलैंड का हिस्सा भी कहते हैं इसको, एलिजमेर। इसका एरिया 1,96,235 किलोमीटर स्क्वेयर है। गलापागोस आइलैंड आर इन, गलापागोस आइलैंड जो है ये पैसिफिक ओशन में है, और ये एक्वाडोर में वाक़ है। चार्ल्स डार्विन ने इसको विज़िट किया था 1835 में, और इसका एरिया है 8,010 किलोमीटर स्क्वेयर। इंडोनेशिया कंसिस्ट ऑफ, इंडोनेशिया जो है वो 1,300 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। इसके मेन जो हैं आइलैंड्स जो 1,300 है। इंडोनेशिया इज़ कंपोज्ड ऑफ सम 17,508 आइलैंड्स। इंडोनेशिया बेसिकली जो कंपोज हुआ है, बना है 17,508 आइलैंड्स से मिलकर, ऑफ विच मोर देन 7,000 आर अन इनहेबिटेड। इसमें से कुछ 7,000 तो
अनपॉपुलेटेड हैं, उनमें कोई आबादी नहीं है। द लार्जेस्ट आइलैंड्स आर समर्टा, जावा, कालीमांतन, इंडोनेशियन बोर्नाई, सलवेसी एंड द इंडोनेशियन पार्ट ऑफ न्यू जीनिया। तो न्यू जीनिया भी इंडोनेशिया का पार्ट है और समर्टा भी क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये है इंडोनेशिया जो कि मेन 1300 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। इंडोनेशियाज ओल्ड नेम वाज डच ईस्ट इंडीज़। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, डच ईस्ट इंडीज़ था इंडोनेशिया का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज़ सुंदरलैंड्स इंडिया, गैंग्स डेल्टा। गैंग्स डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरलैंड्स डेल्टा। तो इट्स अबाउट 350 किलोमीटर वाइड अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। तो ये 350 किलोमीटर जो है चौड़ा है बे ऑफ बंगाल के साथ। एरिया इसका 1,05,000 किलोमीटर स्क्वेयर, 41,000 स्क्वेयर माइल्स। और अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश एंड 40% इन द वेस्ट बंगाल इंडिया। इसका 60% जो बांग्लादेश में और 40% कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल इंडिया में वाकई है। पैरासल आइलैंड आर ऑफ, पैरासल आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है चाइना वर्सेस वियतनाम के दरमियान। इसका सेकंड नेम है यीशा आइलैंड। इसका दूसरा नाम यीशा आइलैंड भी है, डिस्प्यूटेड आर्किपोलॉजी इन द साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी में है। एरिया इसका 15,000 किलोमीटर स्क्वेयर है। ओशन है और सरफेस है इसका 7.75 किलोमीटर। लैंड सरफेस इसका 7.75 किलोमीटर है और ओशन जो है 15,000 किलोमीटर स्क्वेयर है। ये है पैरासल आइलैंड्स। विच कंट्री ओन्स द हेन एंड चिकन आइलैंड्स? हेन एंड चिकन आइलैंड्स जो किस कंट्री में वाकई है, ये है नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड में वाकई है। टोटल एरिया है इसका 8.44 किलोमीटर स्क्वेयर, 3.26 स्क्वेयर माइल्स। इंडियन सिटी मुंबई कंसिस्ट ऑफ 7 आइलैंड्स। इंडिया की जो सिटी है मुंबई, वो 7 जजीरों पर मुश्तमिल है। टोटल एरिया ऑफ मुंबई इज़ 603.4 किलोमीटर स्क्वेयर, 233 स्क्वेयर माइल्स है। द फेमस आइलैंड लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द हुडसन रिवर इज़। फेमस जो आइलैंड है जो कि हुडसन रिवर के मुंह पर वाक़ है, उसको कहते हैं मनाट्ठन। मनाट्ठन जो है, मनाट्ठन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ न्यूयॉर्क सिटीज़ 5 बोरोज़। तो ये न्यूयॉर्क की पॉपुलेटेड सिटीज़ में से है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द बिग एप्पल। ये इसको बिग एप्पल का दिल भी कहा जाता है। इसका लैंड एरिया है 59.1 किलोमीटर स्क्वेयर। तो ये है मनाट्ठन आइलैंड। शुगर आइलैंड इज़ द लोकेटेड एट, शुगर आइलैंड जो है वो यूएस स्टेट्स ऑफ मिशिगन में है। इसका एरिया 128 किलोमीटर स्क्वेयर है। शुगर आइलैंड वाज वंस सब डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल लॉट्स, बट इट इज़ नाउ इंटायरली ओन्ड बाय द कैनी फैमिली। पहले इसको काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया था, काफ़ी सारे लॉट्स में, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर कैनी फैमिली के अंडर है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।